असुन प्रेम उमाहड़ क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के औ तिन कै लागा पाए, विन प्राभ क्यों सुख पाईए दूजी नाहीं जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, आप त्याग विनती करहे लेहो प्रभु लाड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से बिछड़ कतहे ना जाए, प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। असु सुखी वसंदिया जिन्ना माया हर राए, प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। असु सुखी वसंदिया जिन्ना माया हर राए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती है। अज असू दा महीना प्रारंभ होया, असू महीने दी संगरांद नूं मुख रखदिया गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हाँ। असू महीने दा पावन पाठ आप जीआं ने सरवण कीता है। आओ साडे कलयुगी जीवां दा उधार करन वास्ते इस असू दे महीने राहीं जो सतगुरां ने सानू उपदेश दी दात बख्शिश कीती है, संखेप रूप विच उहनू समझण दा यतन करिए। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। सतगुरु कहिंदे जिथे असू दे महीने अंदर जदों बाहर दा मौसम बदल जांदा है, ठंडी मिठी रुत प्रारंभ हो जांदी, कहिंदे इसे तरह जगियासुआं दे मन अंदर परमात्मा दे प्रति प्यार पैदा होया। असू नूं प्रेम उमाहड़ा प्रेम दा उछाल पैदा होया, चा पैदा होया प्रभु परमात्मा दे प्रति कि क्यों मिलिए हर जाए, कि उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं किवें मिलिए, किस ढंग तरीके नाल मिलिए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावै माए। कहिंदे हे मेरी ए माए, मेरे मन विच मेरे तन विच उस परमात्मा दे दर्शनां दी घणी प्यास पैदा हो गई, किवें उहनूं जा के मिलिए। कोई आन मिलावै माए, कोई ऐसा रब दा प्यारा है जिहड़ा मैनूं उस परमात्मा दे नाल मिला दे, उहदे दीदार करवा दे। जिवें सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने कोई जन हर सिउं देवै जोर, जां आपां शब्द पढ़दे आं कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पहि आप विचाई। इह जगियासु दे मन दे अंदर दी पुकार है। जदों उहदे प्रति प्यार पैदा हो गया, उहदे दर्शनां दी प्यास पैदा हो गई, फिर इह जगियासु दी पुकार हो जांदी कोई आन मिलावै माए। ए मेरीए माए, मैनू कोई उस परमात्मा नाल मिला देवे। संत सहाई प्रेम के हौ तिन कै लागा पाए। सतगुरु कहिंदे पता लग्या भी जिहड़े रब दे प्यारे साधु संत ने उह इस प्रेम नूं अगे वधाउण विच परमात्मा तक लिजाण विच सहायक ने। हौ तिन कै लागा पाए, मैं उहनां दे चरणां ते टह पवां, उहनां दे चरणां ते आपा समर्पित करदिआं भी मैनूं उस प्रभु नाल जोड़ो, उस परमात्मा दी कोई गल सुनावो। विन प्राभ क्यों सुख पाई ऐ दूजी नाहीं जाए।
उस परमात्मा तो बिना हुण सुख नहीं मिल सकता, आत्मक खेड़े की प्राप्ति नहीं हो सकती, दूजी ना ही जाए ते दूसरी कोई जगह ही नहीं मिली जिथों सुख प्राप्त हो जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, जिन्ना ने ऐसा प्रेम रस चख लिया वो संसार दे माइक पदार्थां वल्लों रज गए तृप्त हो गए। जिन्हां नूं नाम दा रस आ जांदा है ना वो संसार दे झूठे रसां कसां विच नहीं पैंदे, उन्हां नूं नाम दा रस इन्ना ज्यादा आनंद दिंदा है, इन्ना ज्यादा खेड़ा दिंदा है कि वो छड्ड ही नहीं सकदे। आप त्याग बेनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए, फिर वो आपा भाव त्याग के भाव मैं मेरी नू मार के छड़ के इको ही बेनती करते ने, हे वाहिगुरु सानू अपने लड़ ला लो, अपने चरणा दे नाल जोड़ लवो। जो हर कंत मिलाईया से विछड़ कतहे ना जाए, जिन्ना नू उस वाहिगुरु परमेश्वर कंत पति ने अपने नाल मिला लिया ना, जगयासु स्त्रियां नू ओ आत्मावां नू जिन्हां दे अंदर परमात्मा नू मिलन दा चा पैदा होया, जदों परमात्मा उन्हां नू अपने नाल मिला लैंदा है से विछड़ कतहे ना जाए, फिर ओ दुबारा विछड़ के किते होर पासे नहीं जांदियां, भाव उन्हां आत्मावां उन्हां रूहां दा विछोड़ा नहीं पैंदा रब दे नालों। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए, उन्हां नूं इस गल दा ज्ञान हो जांदा है कि परमात्मा तो बिना दूजा परमात्मा वर्गा है ही कोई नहीं, ते नानक हर सरनाए वो बेनती करदियां ने कि हे वाहिगुरु सानू अपनी शरण विच रखो, अपनी शरण दे हेठ रखो, कृपा करो असी तुहाडी शरण विच हाँ। असू सुखी वसंदिया जिन्ना माया हर राए, सतगुरु कहिंदे असू दे महीने राई जिहड़े इस उपदेश की कमाई कर लैंदे ने ओ हमेशा सुखी वसदे ने, सुखां दे सहत उहनां नूं आत्मक सुख मिल जांदा है। जिन्ना माया हर राए ते जिन्ना ते उस वाहिगुरु हरी राजे वाहिगुरु परमात्मा दी माया कहिए कृपा हो जांदी, ओ जीव सुखी वसदे ने, सतगुरु रहमत करन उन्हां बेअंत भुल्लां दी खिमा बख्श देन। अगे तो समात बख्शन ये विचारां साडे सारयां दे हिरदयां विच वस जान, गुरु साहब कृपा करन ये असू दा महीना साडे सारियां संगतां वास्ते सुखमई शांतमई अपने चरणा दे नाल जोड़ के सेवा सिमरन की दात बख्शिश करके बतीत कराउन, उन्हां बेअंत भुल्लां की खिमा बख्श दे होए, फतेह की सांझ करो। आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।